पुलवामा पर इतना बड़ा खुलासा किया और कोई ऐरे गहरे नथू खेरे ने नहीं किया, जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के बनाए हुए राज्यपाल तब थे, संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा खुलासा किया। एक भी मीडिया का एंकर, एक भी न्यूज एडिटर, एक भी अखबार, एक भी टीवी चैनल पर आपने सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू देखा है? 10 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन यही एंकर, यही सारी मंडली गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इनसे पुलवामा के बारे में बोल दीजिए तो अब ये साक्ष्य मांगते हैं कि आप मुझे तथ्य दीजिए तब हम इंटरव्यू करेंगे। ये कहते हैं अगर ऐसा था तो सत्यपाल मलिक ने फिर उस समय क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? यही दोनों चीजें तो इनको पूछनी चाहिए थी गुलाम नबी आजाद से कि जब तक आप सांसद रहे कांग्रेस में सब अच्छा था, जैसे ही आपकी सांसदी गई आप अनाप शनाप बोलने लगे, आपने राहुल गांधी के ऊपर अनाप शनाप आक्षेप लगाए, आपके पास एक भी तथ्य है? ये जो दोहरा मापदंड है मीडिया का, और ये मीडिया अधिकांश वो मीडिया हो चुका है जिसको जब मोदी जी बैठने को कहते हैं तो ये लौट जाते हैं, तो इनसे हमारी अपेक्षा यही है। तो जब इनसे हमारा वास्ता पड़ता है तो हम इनको आईना दिखाते हैं, आईना में देखकर अगर अपनी ही सूरत बुरी लग रही है तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं।